दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो काफ़ी बार लैपटॉप में देखने को मिलती है। जैसे कि हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो उस की जगह कोई भी नंबरिक जो की है वो प्रेस हो जाती है। जैसे ही हम यू प्रेस करते हैं, देखिए जो अपनी की पैड पर राइट साइड की जो नंबरिक की है, जैसे यू प्रेस करेंगे तो ऊपर फोर टाइप हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर। जैसे आप नेक्स्ट आई प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर फाइव टाइप होगा। इसी प्रकार जैसे हम राइट साइड के जो डिजिट हैं वो कोई भी प्रेस करते हैं तो ऊपर से नंबरिंग डिजिट जो है वो टाइप हो जाती हैं। ये देखिए जो आपकी स्क्रीन पे ऐसा कुछ टाइप होता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी बार लैपटॉप में ही आती है, डेस्कटॉप पे ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता। बाकी देख लीजिए इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करना है इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रवीण ढांडा, स्वागत करता हूँ आपका 1 मिनट सोल्यूशन चैनल में। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है। सबसे पहले पहले तो आप अपने की को चेक कीजिए कि आपकी जो राइट साइड की जो कीज हैं 7 से 8 की हैं वो सभी को टाइप करने पे ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, जो नंबरिंग की टाइप हो रही है। अगर आप सभी कीज को प्रेस करेंगे, जैसे यू आई ओ पी और जे के एल जो भी दिए गए हैं साइड में, जो राइट साइड में हैं, उनको प्रेस करेंगे तो सभी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चेक कर लीजिए। अगर सभी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसका सोल्यूशन एक ही है। जैसे आप ऊपर फंक्शंस की होती हैं F1 से लेकर F12 तक, उनमें से लास्ट में जो F12 की दी गई है उसके ऊपर एक छोटी सी लाइट होती है जो ऑन रहती है। आपके कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देगी, आपको लैपटॉप के कीबोर्ड के ऊपर जो ऑन रहती है। अगर किसी में ये ऑन नहीं भी है तो भी इसका सोल्यूशन यही है, क्योंकि F12 की के ऊपर नंबरिंग जो लॉक होता है, जो नम लॉक होता है वो दिया गया होता है। ये देखिए इसके ऊपर नम लॉक दिया गया है। अगर आपके पास लैपटॉप कोई और कंपनी का है तो आपके जो F11 या F12 के ऊपर ही नंबर लॉक दिया गया मिलेगा, उसके ऊपर छोटा सा अक्षरों में लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, कि आपको फन प्रेस करना है। जो नीचे फन दिया गया होता है, जो मल्टीपल कीज को यूज़ करने के लिए होता है, फन को प्रेस करें और F12 की को एक बार से दबा दें। देखिए F12 की को प्रेस करें, तो जैसे आप F12 की को प्रेस करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी होगी। देखिए मैं यू को प्रेस करता हूँ, यू ही आ रहा है। आई को प्रेस करते हैं, आई दिखाई दे रहा है हमें। जैसे ओ को प्रेस करते हैं तो ओ ही हमें दिखाई दे रहा है। तो ये तो ऐसे सॉल्यूशन करना है इसका। अगर आप काफ़ी बार गलती से दबा देते हैं, मैंने F1 को एक बार प्रेस करके फिर मैंने F12 को प्रेस किया है, आप फंक्शन की को प्रेस मतलब दबाए रखें और फिर F12 को दबा के इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। किसी किसी लैपटॉप में ऐसा होता है कि फंक्शन की एक बार में प्रेस होने के बाद काम नहीं करता, तो उसके साथ इसको दबाए रखना है और F12 की को प्रेस कर देना है। जैसे फंक्शन की को दोबारा प्रेस करते हैं और F12 को दबा देते हैं तो सेम सिचुएशन में हमारा जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वो आ जाएगा। ये देखिए, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था। ऐसे टिप्स ट्रिक और सोल्यूशन के लिए मेरे चैनल 1 मिनट सोल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, दबा दीजिए। साथ में बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।